सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, असी चेंज ऑफ वॉयस के नियमों के तहत जिहड़े इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ने, प्रश्न वाले सेंटेंसेस ने, उन्होंने हल कर रहे थे। इस तो पहला वाली वीडियोज़ दे विच अज तो पहला वाली उदाहरण ते नियम दसे गए ने। कृपा करके सारिया वीडियोज़ जिहड़ियां सिलसिलेवार जरूर देख लो ता कि तुहानूं अज दी वीडियो तो आसानी नाल समझ आ सके। आपां अज होर उदाहरण कर लगे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दी। पहली उदाहरण है व्हेन डज ही टेक टी। तो प्यारे विद्यार्थियों, चाहे व्हेन आ जाए, चाहे व्हाट आ जाए, चाहे वेयर, व्हाई, हाउ, इन्हां नाल इह शब्द व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ इह वाक दे शुरू च लगे रहण दिओ। फिर की करना आपां वाक दे विच फार्म नूं देख के हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट कर लेना है। तो जिहड़ा आपां हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करांगे वह आपां सब्जेक्ट दे नाल जचदा होवे ये देख लेना। When does he take tea? Does तो पता लगता है कि फार्म जिहड़ी है पहली है। पहली वाले आपां इस एमआर चो कोई चीज लगाउने हैं, ये सारे निजम आपां स्टडी कर चुके हैं। तो when दा when लग्या रह गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। When is, उस तो बाद जिहड़ा ऑब्जेक्ट सीगा उह लगा लिया। When is tea? तीजी फार्म कर दो टेकन। बाय आपके को लाने लाने, ही जिहड़ा सब्जेक्ट सीगा उहदा बना दो ऑब्जेक्ट, ते क्वेश्चन मार्क ला दो, ते अपना वाक कंप्लीट हो गया। वेयर डिड यू सी हिम? हुण डिड तो पता लग्या कि फार्म दूजी है। इहना दूजी फार्म च आपां की लगाउंदे सी? वॉज वर्ब चो कोई चीज। वेयर नूं उसे तरह रहण दिओ, वेयर वॉज। इत्थे वॉज क्यों लगे, वर्ब क्यों नहीं लगे? क्योंकि वो अगला जिहड़ा आपां सब्जेक्ट देखांगे ना उहदे मुताबिक लाउणा। जे इत्थे वी हुंदा, दे हुंदा, फिर ते वर आ जाणा सी। वेयर वॉज ही, तीजी फार्म सीन बाय यू, बड़ा सौखा जिहा काम। व्हाई वर यू मेकिंग अ नॉइस? वॉज बीइंग जां वर बीइंग आपां कदों लगाउंदे सीगे? कदों लगाउंदे सी? जदों वॉज दे नाल आई एन जी हुंदा सी ते जां वर दे नाल आई एन जी हुंदा सी। इहदा मतलब हुण वॉज बीइंग जां वर बीइंग लगूगा। व्हाई लै लो, व्हाई तों बाद देखो आपां अनवाइज नूं अग्गे लियावांगे, इहदे नाल की जचदा है? वॉज। तो व्हाई वॉज अ नॉइस मेकिंग बीइंग मेड बाय यू? व्हाई वॉज अ नॉइस बीइंग मेड बाय यू? हाउ वाला भी देख लो वाक। हाउ हैज ही वन द प्राइज? तो आप हाउ नूं तो उस तरह रहन देना। हुण आपां इह देखदे हां कि जदों हैज होवे वाक दे विच जां हैव होवे तां आपां हैज बीन जां हैव बीन लगाउंदे सी। हुण हाउ इत्थे हैज लगू जां हैव लगू, कौन डिसाइड करेगा? द प्राइज। द प्राइज इक है तां हैज लग जू। हाउ हैज द प्राइज बीन आपां लाउणा ही है, जदों वी हैज आ गया बीन लाउणा ही लाउणा सी। तीजी फार्म कीती वन बाय हिम। हाउ हैज द प्राइज बीन वन बाय हिम? इहदे बारे थोड़ी जी मैं गल समझा दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ए केस ते इस केस ते थोड़ा जिहा यही फर्क है कि हू वाला जदों क्वेश्चन आ जाए ना, हू वाला जिहड़ा सेंटेंस आ जाए उदों आपां की करना है? आपां पहलां शुरू तो ही वाक दे शुरू तो ही बाय होम कर देना। बाय होम किस द्वारा? Who teaches you English? तुहानू इंग्लिश कौन पढ़ाउंदा है? By whom दा मतलब कि आपां समझावांगे हुण। By whom पहले ला लांगे रूल मुताबक। हुण टीचर्स कहड़ी फॉर्म है? पहली इज एम आर, इन्हां च कोई चीज लगूगी। आर लगू जां एम लगू जां इज लगू, ये डिसाइड कौन करूगा? आह जिहड़ा ऑब्जेक्ट है। तां आपां बाय होम तो बाद ऑब्जेक्ट यू क्योंकि लाउणा सी, इस करके आर लग जू। By whom are you? ਇਥੇ ਆਰ, ਇਥੇ ਇਜ ਯੂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਐਮ ਯੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਚਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। By whom are you taught English? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਐ ਸਮਝ ਲਓ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੌਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ,
सिलसिलेवार उतो देख लो ताकि थानू सारे निजम जिंदगी भर याद रह जाए। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।